इन दिनों नदी नाले उफान पर हैं। हरियाणा के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। कुछ जगह राहत मिल चुकी है तो कुछ जगहों पर अभी राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। अब यमुना के रास्ते में बसे हरियाणा के जिले एक बार फिर से खतरे में आने वाले हैं। वजह है यमुना का जलस्तर बढ़ना। हथिनी कुंड बैराज में देखा गया कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते बैराज से और अधिक पानी छोड़ने की स्थिति बन रही है। प्रशासन लोगों को नदी के खतरे से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों को भी जनप्रतिनिधियों की मदद से सचेत किया जा रहा है। बैराज से पानी छोड़ना हरियाणा के साथ दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी है। और एहतियात बरतें, लगातार पानी का स्तर जलस्तर बढ़ रहा है। हाँ, जो अभी तक संभावना लग रही है, अधिकारियों ने बताया है इरीगेशन के कि अभी पानी बढ़ने की संभावना और भी है, तो जो आसपास जो लकड़ी चुकने के लिए जो गांव ग्रामीण वासी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हिदायत दी जा रही है कि अभी दूर रहें इससे। हाँ, गांव में बुनियादी तो अभी नहीं करवाई है, लेकिन हमने ईआरवीज को भेजा है जो सरपंचों से साथ रही है कि वो अपने अपने गाँव में जाके बुनियादी कराएँ, क्योंकि सुबह ये जलस्तर बढ़ा है और बुनियादी भी कराने के लिए उनको गाँव वालों को बोला है सरपंच को कि अपने गाँव में बुनियादी कराएँ कि जलस्तर बढ़ रहा है और अपना ध्यान रखें अपने पशुओं को और किसी प्रकार का कार्य करने के लिए खेत का कार्य करने के लिए जमुना के किनारे पे न जाएं। गौरतलब है कि इससे पहले यमुना नदी हथिनी कुंड बैराज पर 97 घंटे लगातार खतरे के निशान से ऊपर गई थी और अब यमुना का जलस्तर लगभग 2.5 लाख क्यूसिक के पास पहुंच चुका है, जिसके चलते एक बार फिर से दिल्ली को यही यमुना नदी का पानी प्रभावित करेगा। वहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते जो है ये जलस्तर और बढ़ सकता है। आपको पानी की वो भयावह तस्वीरें दिखा दूं जो लगातार पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और हमारे कैमरे में भी यहाँ पर कैद हो रहा है। आपको बता दूं कि ये पानी 72 घंटे में दिल्ली में दस्तक देगा और इसके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत के इलाकों को भी, जो यमुना नदी के साथ लगते इलाके हैं, उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल आपको यही अपडेट है कि हथनी कुंड बैराज से खतरे की घंटी बज चुकी है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार।